वेलकम बैक टू माय चैनल भावना गौर। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ और ये ब्लॉग है, स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि कल शिवांग का बर्थडे है और हम उसके लिए आज जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, उसके बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए और उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेने के लिए, जो उसे नहीं पता। और उसे लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी कोरोना में मॉल वगैरह में थोड़ा रिस्की है बच्चों को लेके जाना, तो इसलिए नहीं, क्योंकि इधर उधर भागता बहुत है, बहुत परेशान करता है मुझे। तो अभी फ़िलहाल मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, सो देखते हैं उसके लिए क्या मिलता है और होप सो जो भी मिले उसे पसंद आए, एक्चुअली जो मैं लेकर आऊँ उसके लिए उसे पसंद आए और उसका बर्थडे स्पेशल करने की कोशिश कर रही हूँ और उसका बर्थडे स्पेशल हो जाए, स्पेशल बन जाए। तो सो देखते हैं क्या मिलता है मुझे मॉल में उसके लिए। चलिए चलते हैं मेरे साथ। गाइस हम मॉल आ चुके हैं, अब बहुत जल्दी आ गए हैं क्योंकि हमारे बिल्कुल घर के पास में ही है मॉल और घर के पास मॉल होने का बहुत ही फ़ायदा है। वो हम डेकैथलॉन में पहुँच गए हैं, चलिए चलते हैं इसके अंदर। हम शॉपिंग के लिए रेडी हैं। के लिए पसंद कर लिया है और ये हमें बहुत पसंद आए हैं और ये बिगनेस वाले हैं। एक्चुअली अभी हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें ये फोर टायर्स हैं इसके, वन रो में है, तो अभी हमें इसे इस टायर को इसके साथ एक रो में करना है, मतलब इसके साथ में करना है, रो में नहीं, इसके साथ में करना है। तो ये किट के साथ भैया अभी हमें करके देंगे, तब तक हम उसके लिए कुछ और देखते हैं। चलिए गाइस अब स्केट्स के बाद बारी है उसकी नी पैड किट की, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये चूज़ किया है मैंने इसका, ये है मेरा ये है 9 to 15 years, या राजी 9 to 15 years मिल गया, ठीक है ना, देख लेना एक बार चेक करूँ। तो ये हमारी बास्केट में जाता है। अब उसके बाद है प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट, सबसे मस्ट है, तो मुझे लगता है उसको स्मॉल साइज आएगा। कौन सा साइज आएगा राजी? तो स्मॉल साइज आएगा हेलमेट में, है ना। तो गाइज हमने इसके लिए हेलमेट भी ले लिया है, सेफ्टी फर्स्ट। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे करेगा वो, सीखेगा कितनी बार गिरेगा, चलिए देखते हैं। सो अभी गुल्लू का हो गया बर्थडे गिफ्ट, अभी हम कुछ और अपने लिए भी देख रहे हैं। सो चलते हैं, अभी जब आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। करना पड़ रहा है क्योंकि टायर एडजस्ट हो रहे हैं उसके। चलिए फाइनली टायर भी एडजस्ट हो गए, दिखाना। अरे वाह, ये देखिए ये पूरे एक लाइन में थे और अब हम ये एडजस्ट हो गए हैं। अब इसे मेरे ख्याल से गुल्लू को चलाने के लिए, जो बिगनर्स होते हैं उनको चलाने के लिए काफ़ी इजी रहेगा। चलिए चलते हैं। गाइस देखिए हम घूमते मॉल में घूमते कहाँ आ गए हैं, ये देखिए ताजमहल, हम आगरा आ चुके हैं। ताज की निशानी ताजमहल, और देखिए कितना खूबसूरत है ये। बच्चे जब ये वीडियो देखेंगे ना, मुझे बहुत पीटने वाले हैं और कहेंगे कि मम्मा अकेले चली गई मॉल में और अब घूम कर आई। अब उन्हें क्या पता, मम्मा सरप्राइज लेने गई है गुल्लू के लिए और मुझे बहुत गुस्सा होने वाला है, लेकिन मैं उसको लेकर आऊँगी कुछ टाइम बाद। अभी हम भी कुछ जल्दी में आए हैं, अब जल्दी में जा रहे हैं, अभी कुछ सामान थोड़ा सा और लेना है उसके लिए, अभी और परचेज कर रहे हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और शॉपिंग करते हैं। हम घर आ चुके हैं और अभी गुल्लू है नहीं, वो पार्क गया हुआ है, तो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए क्योंकि हम चुपके चुपके से आ रहे थे तो पता चला गुल्लू है नहीं। तो अब हम सोच रहे हैं गुल्लू नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए और
इसकी गिफ्ट को पैक किया जाए। और मैं ना मुझसे गलती हो गई, मैं उसका गिफ्ट पैक लेकर आना भूल गई, आई मीन रैपिंग पेपर लाना भूल गई। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको इस पर पैक कर दूँ। एक कार्टन पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसमें इसे पैक करने जा रही हूँ। तो उसको जब केक कटिंग होगी रात में तो मैं उसको ये सरप्राइज गिफ्ट करूँगी। और देखते हैं भाई, एडजस्ट करो इसे, कैसा रहेगा ये, सीधा रखो इसे ऐसे। अब हम इसे पैक करने जा रहे हैं और फिर मिलते हैं रात के 12 बजे। उसका पापा भी बर्थडे बॉय है, उसे क्या मिलेगा। गाइस रात के बज रहे हैं 10:30 और मैंने बच्चों को भेज दिया है सोने के लिए, ताकि मैं गुल्लू के लिए सरप्राइज़ प्लान कर सकूं उसका बर्थडे के लिए, उसका बर्थडे केक। तो मैं अभी उसका बर्थडे केक बनाने जा रही हूं। 10:30 हो गए हैं, होप सो बन जाना चाहिए 12 बजे तक। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूं कुछ थोड़ा बहुत, तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है नहीं होता, केक बनता है नहीं बनता। चलिए मेरे साथ मेरी किचन में, आप देख सकते हैं खड़ी में बज रहे हैं 11:15। केक कभी हमारा बन रहा है और ये देखिए अभी हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहे हैं। और ये देखिए गुड्डा फुला रही है बलून। हाँ हमारा पंप ख़राब हो गया है तो इसलिए अभी हमें मुँह से फुलाने पड़ रहे हैं। गुड्डा फुलाने का काम कर रही है और मैं बांधने का काम कर रही हूँ। और ये मेहनत हमारी हो रही है 11:15 बजे। हाँ गाइस बर्थडे बॉय का केक बना रहे थे हम दोनों, ब्लूपर हो गया है बहुत बड़े वाला। केक में जो भी सोडा डाला, जो भी पाउडर डाला, पाउडर डाला हाँ वो ज़्यादा डल गया। केक का ब्लूपर हो गया है, फिर भी हमने बहुत मेहनत करके ये केक बना दिया। आपको दिखा रहे थे, देखिए ये केक हमने बना दिया है। सो अब टाइम आप देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं 12 बजने वाले हैं। बस हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ, ज़ोर ज़ोर से तैयारी चल रही है। देखिए ज़ोर ज़ोर से तैयारियाँ चल रही है बर्थडे बॉय के लिए। वो बिल्कुल करेक्ट टाइम हो रहा है जो टीवी में इन पर भी है, और ज़ोर शोर वाली तैयारी चल रही है। और ये देखिए हमारा केक, यम्मी केक। कोई बात नहीं, टेढ़ी हो रही है, हमने सीधी कर दी है। लाइटर भी हम रेडी रख लेते हैं, बस बर्थडे बॉय सो रहा है। अरे हाँ नाइट तो है नहीं, लेकर आओ। क्या करती हो तुम, कैसी तैयारियाँ करती हो, लेकर आओ नाइट। लेकर नहीं आई है मैडम, बताइए कैसे काटेगा वो। तो ये हमारा ब्लूपर वाला केक रेडी है। सो ये इसका क्रेडिट जाता है पूरा गुड्डा को, और ये गुड्डा को, और गुड्डा ने अब तक की सारी खुन्नस अपनी गुल्लू से निकाल ली है ये केक बना के। ओ माय गॉड, चलिए टाइम हो गया है और हम चलते हैं। अभी बस बचने वाले हैं 12, और अभी कर रहे हैं अभी थोड़ा टाइम ठीक है, 12 बच जाएगी ना, बच जाए। चलिए अभी हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे सॉन्ग भी। चलो हो गया टाइम, चलो 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 गाइस चलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गुल्लू, हैप्पी बर्थडे टू यू। है ठीक क्या भांग खा के सो गया क्या। हैप्पी बर्थडे टू यू। है अरे नहीं यार, ये तो सो रहा है बहुत गहरी नींद में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे नहीं यहाँ एक्टिंग कर रहा है। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। बे तू उठ जाओ ना, अरे उठ जाओ मेरी डोनाल्ड डक। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ चलो 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 चलो, इतनी नींद आ रही थी आपको। ये बर्थडे बॉय आ गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। वॉल्यूम कराओ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear girl.
हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, happy birthday to you, to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, yummy. Oh, mama pass ho gayi. Sorry, gudda pass ho gayi. Yay. Ah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. आप खुल गई आपकी मतलब नींद से उठ गए हो? उठ गए तो ठीक है, आप दोबारा से आईज क्लोज करो। आपका गिफ्ट है लेकिन सोना नहीं है। सोना नहीं है कहीं सो मत जाना, ठीक है? तो आप गेस करोगे आपका गिफ्ट क्या है? केक। केक तो आपने खा लिया। आईज क्लोज, नो ओपनिंग आईज। गेस करो। अब इसे फोड़ो अपने बलून्स। फोड़ो। ब्लू ब्लू सा देखा। गेस करो क्या है, बताओ। गेसेस। ब्लू चांसेस आपके पास। स्टूल। नहीं, गोलू गेस नहीं कर पाया। चलो अब उसे खोलने दो। हाँ हाँ बिल्कुल करो टेस्ट। ऐसा लग रहा है बाहुबली बन गया है और अभी युद्ध के लिए रेडी हो गया है जाने के लिए। सेफ्टी के साथ कवच वच पहन के अपना। चलिए कैसा लगा आपको गेम? मजा आ रहा है। अच्छा, कोई पोज नहीं दे सकते इसके अलावा। ठीक है, अब आ रहा है मिस्टर राज का गिफ्ट। गुल्लू का गिफ्ट तो हो गया है और अब आ रहा है मिस्टर राज का गिफ्ट। तो
गुड्डा ले आई है अपने पापा का गिफ्ट। तो गुड्डा आप भी अपनी आईज क्लोज करो जैसे, और हाथ आगे, और ये पापा हाँ, और ये है पापा का गिफ्ट। आप कुछ बोलोगे नहीं, बस देखोगे बस देखोगे, और ये आपका गिफ्ट है। हाँ तो आप ही को तो गिफ्ट आप ही को तो देंगे, हम थोड़ी ना लेंगे। अब आप खोलो जरा आप भी। चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं सोने के लिए, रात के 1 बज गया है, खूब मस्ती हो गई है। गुलू का गिफ्ट भी गुलू को बहुत पसंद आया। मैं काफी डर रही थी गुलू को पसंद आएगा नहीं आएगा, गुलू को और ये पर, वाला हाँ और ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। ये मेरा गिफ्ट है। इनको भी ये पसंद आया गिफ्ट, और गुलू को भी पसंद आया है। गुलू ने अभी चलाया भी है, अब देखते हैं ये सीख पाता है नहीं सीख पाता है। तो चलते हैं दोस्तों, गुड नाइट, और अभी के लिए बाय बाय। सुबह जल्दी उठना है, मंदिर जाना है, बहुत सारे काम हैं कल के लिए। तो अभी हम चलते हैं, और ये देखिए इनकी मस्ती अभी चल रही है फुल ना। ये अब सोने वाले नहीं है, अब ये जग नहीं रहा था, अब ये सोएगा नहीं। इन कैसे चलता रहेगा, इनको अब सुलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। और आप मेरी वीडियो को, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट।